जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, कन्या पूजन और संधि पूजा का मुहूर्त। जाने इसका महत्व, शक्ति का उत्सव और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना से माता की उपासना शुरू होती है और 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल देवी दुर्गा का आगमन पालकी पर हो गया है। नवरात्रि का 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी कब है, आइए जानते हैं। माँ महागौरी की पूजा, कन्या पूजन और संधि पूजा का मुहूर्त और महत्व। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन लोग अपनी कुलदेवी माँ महागौरी की पूजन करते हैं, साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि शुरू 10 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:31 से, शुक्ल अष्टमी तिथि समाप्त 11 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:06 पर। संधि पूजा मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 11 अक्टूबर 2024 को। माँ महागौरी पूजन सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक। दुर्गा अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा का महत्व। नवरात्रि में हर देवी की पूजा के लिए 1 दिन तय किया गया है, इससे हर देवी की पूजा का विशेष फल मिलता है। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी को समर्पित है। अत्यंत गौर रूप होने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन क्यों करते हैं? कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में अष्टमी पर कन्या पूजन के बिना 9 दिन देवी की उपासना का फल प्राप्त होता है। कन्या के पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन और भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। इससे माता जल्द ही प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।